दादी के ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक बचाओ हम सबका अच्छे दिन के लिए। कॉल द नेक्स्ट पेशेंट। दादी अम्मा आ जाओ। राम राम डॉक्टर साहब। राम राम, कैसे हो आप? ए बेटा मैं क्या बताऊं, मेरे पूरे शरीर में दर्द है। कहां कहां दर्द है, आप अलग अलग बताइए। बेटा मेरे पैर में दर्द है, घुटने में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, सब जगह दर्द है। ये बुढ़ापा बेटा बहुत ही बुरा है। अम्मा एक गोली लिख देता हूँ, आप कुछ दिन से खाइए, आराम मिल जाएगा, फिर आकर दिखाना। अरे डॉक्टर साहब ना बेटा ना। ओह नो। अरे ना बेटा, ये गोली से मुझे कुछ नहीं होने वाला। मुझे तो इंजेक्शन की आदत लग गई है, उसके बगैर मैं ठीक ही नहीं होती। कौन सा इंजेक्शन दादी? अरे बेटा वो एक पानी जैसा पेंसिलिन कुछ नाम बोलकर एक इंजेक्शन। वो एक एंटीबायोटिक है, उसको ऐसे नहीं लेना, वो दर्द के लिए नहीं काम करता है। नहीं नहीं मुझे वही वाला इंजेक्शन चाहिए। मेरे गांव का जो एक डॉक्टर है वो घर में आके इंजेक्शन लगाता है, ये इंजेक्शन देके जाता है, उससे ही मुझे फर्क होता है। बेटा वो अभी शादी में गया है, वरना मैं उधर ही घर में बुला के उससे इंजेक्शन ले लेती, मैं यहाँ आती ही नहीं। पेनिसिलिन इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। ये इन्फेक्शन इन्फेक्शन क्या होता है बेटा, मुझे तो पता ही नहीं है। दादी क्या कभी आपको चोट लगा है? कई बार ऐसा होता है, चोट की वजह से घाव बन जाता है और उसमें से पस निकलने लगता है, या फिर कोई फोड़ा फुंसी हो जाता है, उसमें पीला या सफेद रंग का पानी भर जाता है, उसे हम इन्फेक्शन कहते हैं। अगर ऐसा कोई मरीज है तो उसे हम एंटीबायोटिक देते हैं, वो भी खून या पस की जांच के बाद। बगैर बात एंटीबायोटिक लेना आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा क्या? और बाकी सबको भी बताऊंगी कि बगैर बात में एंटीबायोटिक या बगैर जांच के एंटीबायोटिक नहीं लेना। खुद भी नहीं जाऊंगी और दूसरे लोगों को भी जाने नहीं दूंगी। Call the next patient. Thank you. This is my